वेलकम बैक ऑल ऑफ माय शेविंग बडीज। दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शेविंग सेशन की। आज एक और नया सोप लेके आया हूं मैं आपके लिए फ्रॉम द हाउस ऑफ रियाना एंड एवंस। अगर आपको ध्यान है एक डेढ़ महीने पहले मैंने इनका जो एक सेंट बार्ट्स करके शेविंग सोप आता है उसके बारे में मैंने अपना यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। और जो सोप मैं आज आके लेके आया हूं ये जाना जाता है, ऑफकोर्स उसका जो बेस है वो तो जग प्रसिद्ध है, मगर जो उसकी स्मेल है उसके बहुत से लोग कायल हैं और काफी दिनों से मेरे को इसकी तलाश थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक मिस्टर अमित कलामे जी जिन्होंने इस बढ़िया प्रोडक्ट को मुझे उपलब्ध कराया। तो ज्यादा पहेलियां ना बुझाऊं और सीधे मैं आपको उस सोप के दर्शन कराऊं। तो यस यू कैन सी अरियाना एंड इवंस सोकाल हिपस्टर। अब पहले मैं इसको सोशल मानता था, फिर ध्यान से मैंने देखा तो सोकाल हिपस्टर। आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोकाल, बट अगर आप इसका लेबल देख रहे हो ब्यूटिफुल आर्टवर्क। यार एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जितने भी विदेशी सोप होते हैं परफॉर्मेंस में तो अच्छे होते ही हैं, मगर ये जो है बड़ा ही इंस्पायर करते हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं मैं कायल हो जाता हूं इन आर्टिसन सोप मेकर्स की क्रिएटिविटी को देख के, कहां कहां से आइडियाज लेके आते हैं। सो यू कैन सी अ स्कल जो कि पाइनएप्पल के शेप में या फॉर्मेट में है। तो पाइनएप्पल इन द फॉर्म ऑफ स्कल, कुछ नारियल के पेड़ और समुद्र का किनारा है ये। सो जल्दी से इसको खोला मैंने और आप देख सकते हो दिस इज हाउ दिस सोप लुक्स। और आई नॉट से इट्स अ वेरी सॉफ्ट सोप, मगर थोड़ा मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो हल्के हल्के डेंट बन रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फ्रेग्रेंस। खो जाओ इसमें। नाउ जो डोमिनेंट नोट्स मेरे को नजर आ रहे हैं ऑफकोर्स फ्रेश कटावा जो होता है ना पाइनएप्पल, तो बिल्कुल पाइनएप्पल के जो नोट्स हैं वो बहुत डोमिनेंट है। अब देखिए मैं क्या है, पहले मैं पढ़ लेता हूं इसके जो इनकी जो वेबसाइट है उसमें मैंने इनके जो सेंट नोट्स हैं उसके बारे में काफी अध्ययन किया, फिर मैंने देखा तो उसके हिसाब से जो नोट्स उन्होंने बताया उसमें मेरे को कौन कौन से मिल रहे हैं। डोमिनेंट जो है वो पाइनएप्पल का है, उसके बाद हल्का सा बनाना, मैंगो, ओक मॉस के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है मगर उनका कहना है कि ओक मॉस, सैंडलवुड के बारे में मैं नहीं पहचान सकता, सीडरवुड के बारे में भी मैं नहीं कह सकता, पैशन फ्रूट की हल्की सी स्मेल है, मगर जो भी है बहुत ही अलग लेवल पे आपको पहुंचा देती है। और रोज सुबह उठ के अगर इस तरह के शेविंग सोप हमको मिले तो एक मोटिवेशन आता है कि चलो अपने शेविंग डेन में और खो जाओ उस मदहोश फ्रेग्रेंस में। तो ये उसी तरह की ये फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपने मैं फ्रूटी फ्रेग्रेंस, ऑफकोर्स जो फ्रूटी फ्रेग्रेंस वाले तो अपने कई सारे सोप में आते हैं मगर ये है तो फ्रूटी, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि जितने भी मैंने नाम बताया सब फ्रूट्स के हैं, मगर जो भी है यार बड़ा अद्भुत है। और मैं चाहूंगा कि इसका जो आफ्टर शेव स्प्लैश भी मेरे को मिले एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कलामे साहब सुन रहे हैं आप, हमारी दरखास्त है आपसे। तो इसको कॉम्प्लीमेंट आज मैं करूंगा अपने शेवोलॉजिस्ट के फ्रूटीलिशियस आफ्टर शेव स्प्लैश से। तो अब मैं ज्यादा बातें ना करके सीधे अपने सेशन पे आ जाऊं, आपको मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूं। आज फिर से मैं रॉकवेल लेके आया हूं। रॉकवेल में आज जो है मैं प्लेट नंबर 4 का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज आर 4 प्लेट, गजब का रेजर अब तक मेरे को लगा। और इसमें आज मैं लोड कर रहा हूं कंसीडर्ड टू बी द शार्पेस्ट ब्लेड इन द वर्ल्ड फेदर ब्लेड ऑफ जापान। और आज इसका ये फर्स्ट यूज होगा इस ब्लेड का। So now this Rockwell with R4 plate is loaded with feather blade. Or for making leather I am going to use Yaki Atlantis, one of my favorite
शेविंग ब्रश और थोड़ी देर के लिए मैं इसको हल्के से ल्यूकवॉर्म वाटर में इसको ऐसे डुबा देता हूं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो सोप बेस है बहुत ही स्लिक और शानदार एक्सपीरियंस देता है। आप अगर ये एक वाटर थर्स्टी सोप है, नो डाउट अबाउट इट। तो सोप को अप्लाई करने में कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। ये जो बाकी का जो लादर है उसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसको मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। फिर वही प्रॉब्लम, सॉरी, तो जो लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से परहेज रखते हैं उनके लिए तो ये सोप नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट वेगन सोप, इट हैज टैलो। चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। देखिए ये जो सोप बेस है ये आपको एक स्लिक थिक पेस्टी काइंड ऑफ लादर देता है, ये फोमी टाइप का लादर नहीं देगा जो आपको शेविंग क्रीम होता है फोम जैसा। तो हमारे जो वेट शेवर्स ऑफ इंडिया जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें कई सारे प्रबुद्ध लोग हैं, तो उनमें से एक जो उस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं नवल जी, उनसे अभी पता लगा कि किसी ने पूछा था कि, और वो मेरे ही शायद एक सोप के रिव्यू के बारे में कुछ क्वेश्चंस उठे थे जिसमें मेरे को कहा गया कि सर ये लादर क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ग्रीन जंक्शन का जो वो सोप है उसमें लादर को क्रिएट करने में दिक्कत होती है। तो उसमें उन्होंने नवल जी ने बताया कि स्टीरिक एसिड अगर नहीं है तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक द लादर। सो आई वेरी मच एग्री विथ हिज पॉइंट। उसमें कैस्टर ऑयल, पाम ऑयल वगैरह थे, तो उनका ये कहना है उनके खुद की नॉलेज से कि ये ऑयल आपको स्लिकनेस पोशे फील अच्छी दे सकते हैं, उनका लादर क्रिएट करने में वो अच्छे नहीं है। सो नाउ यू कैन सी द काइंड ऑफ लादर दिस सोप इज जनरेटिंग। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि शेविंग क्रीम की तुलना में जो सोप्स होते हैं इसमें थोड़ी सी मेहनत मुकम्मश, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, करनी पड़ती है, मगर जो शेविंग के दौरान की जो फीलिंग होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही टॉप नॉच लेवल का होता है। तो ये हरियाणा एवंस के बारे में वर्ल्ड वाइड रिव्यूज यही है कि अल्टीमेट स्लिकनेस पोर शेव फील देते हैं। कुछ जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है कुछ शेविंग फोरम्स में कि फ्रेग्रेंस बर्न करके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी ओवरवेलम करती है कुछ लोगों को, और ये बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, हर कोई फ्रेग्रेंस किसी को पसंद नहीं आ सकती, वी ऑल नो दैट। तो कुछ लोगों को इनके सोप बेस या इनकी फ्रेग्रेंस से फ्रेग्रेंस बर्न की शिकायत हुई है, मगर सेंट बार्ड्स और को यूज करके मेरे को ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। और ये दूसरा हरियाणा एवंस का सोप है सोकल हिपस्टर। यस द टेक्सचर इज, आई विल नॉट से फोमी, इट्स अ पेस्टी थिक पेस्टी लादर, ये आप देख सकते हो।
और गजब की स्लिकनेस है भाई, बिल्कुल मक्खन मलाई। तो ये जो सूप है इंपोर्ट किया गया है अमेरिका से, यूएसए से। पीटर चक्रेलिस इज द प्रोप्राइटर ऑफ दिस सूप मेकिंग आर्टिसन सूप कंपनी। जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने सूप बेसिस से। ये K2E जो है सूप बेस है, और हमारे यहाँ shavingkit.in के जो प्रोप्राइटर हैं अमित कलांजी कलांबे जी, वो इसको लेके आए हैं, मगर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आए हैं, तो मैंने सुना है सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिक गए हैं। चलिए मैं अब ज्यादा फालतू की बकवास ना करके मुद्दे पे आ जाऊं। रॉकवेल 6S प्लेट R4 लोडेड विथ फेदर ब्लेड, और ये इसका पहला यूज है और पहला पास एज यूजुअल आपको पता ही है विद द ग्रेन। फेदर अपने आप में एक कमाल का ब्लेड है, और मेरे को उस समय जब मैं इस रेजर को ग्लाइड कर रहा हूं तो स्टबल के कटने का कोई एहसास नहीं हो रहा है। और एक चीज मैं आपको शेयर करूं, शुरू शुरू में जब मैंने इस ब्लेड को यूज किया था तो ये मेरे को इतना पसंद नहीं आया था। इसकी जो बाइट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, मगर तब मुझे ये नहीं पता था कि किस किस के कॉम्बिनेशन रेजर कॉम्बिनेशन के साथ ये मैच होता है, तो मैं अग्रेसिव रेजर्स के साथ इसको यूज करने लगा था। और बाद में फिर मैंने कई तरह के शेविंग वीडियोस देखे और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जब देखे तब मेरे को पता लगा कि शुड बी यूज विद माइल्ड रेजर्स। बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो रेजर आता है बहुत ही माइल्ड है, उसके साथ ये ब्लेड मैंने पहली बार इस्तेमाल किए थे, मगर बाद में क्योंकि आई वॉज अ ग्रीन हॉर्न, नया नया था मैं, तो मैं किसी भी रेजर के साथ इसको लगा लेता था। और कहीं ना कहीं मेरे को एग्रेसिव रेजर ज्यादा पसंद थे, हैं अभी भी, तो उसके साथ ये मजा नहीं आ पाया मेरे को। गजब की स्लिकनेस है यार इस बेस में। आई थिंक जितने भी अभी तक मेरे पास सोप हैं इसके स्लिकनेस का मेरे पास जो सोप है कोई मुकाबला नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा बहुत बैरिस्टर एंड मैन, उसका चशायर सोप मेरे पास है, उससे काफी क्लोज है, अदरवाइज पॉइंट ब्लैंक मैं कह सकता हूं अफलातून स्लिकनेस। और इस समय मेरा शेविंग डेन जो है और जबरदस्त रूप से महक रहा है। कहीं से भी ये स्मेल मेरे को आर्टिफिशियल नजर नहीं आ रही है, ये एक गजब की बात है यार, कितना मेहनत करते हैं ये लोग, एंड ऑल द वे हाउ टू इंप्रूव आवर नेक्स्ट सोप, ये इनका ही मोटो रहता है। जबरदस्त। तो थोड़ा मैंने पानी अप्लाई किया है, शायद मेरे हिसाब से मैंने सोप ज्यादा लिफ्ट कर लिया। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
मेरे को इस तरह से पकड़ने में और अगेंस्ट द ग्रेन जाने में ज्यादा मजा आता है, मगर ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा पकड़ना है या नॉर्मल आपको इसी तरह से। बट आई ऑल एंजॉय दिस। इस तरह के सोप के साथ मैं सही बताऊं, प्री शेव ऑयल, प्री शेव क्रीम्स की कोई जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा अपनी बियर्ड को सॉफ्ट कर सकते हैं हल्के से वार्म वाटर के साथ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो आपको यहाँ पे ये जो बेस प्लेट में जो ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं ये थोड़े से क्लॉग हो जाते हैं। सोप को पानी से निकालना हल्का सा दिक्कत होती है कंपेयर टू क्रीम्स या नॉर्मल सोप्स। शानदार, थर्ड पास की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत स्लिक है ये। अगर मैं रेजर को ऐसे ही ग्लाइड करूँ विदाउट एनी अप्लाइंग एनी फोम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो लेट मी वॉश माई फेस नाउ। सो नाउ अप्लाइंग एलम, डॉक्टर्स एलम, डॉक्टर प्लस एलम। यार एक चीज और मैं बताऊं आपको, पहले मैं सोचता था कोई सा भी चलता फिरता एलम आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। इससे पहले मैं जनता का एक 10 रुपए का हमारे लोकल रिटेल बाबर शॉप जो मार्केट है वहां मिलता है वो मैं लेता था, मगर ये मैंने परचेज किया है अमित कलामी जी के यहाँ से, 30 रुपए के आसपास का है शायद ये, मगर इसका जो फील है वो एक अलग है। और अपने शेविंग फोरम में मैंने सुना है कि पार्कर का जो एलम आता है वो और भी 400 450 रुपए का है, तो मैं पहले सोचता है क्यों यार लूट रहे हैं, जिन्होंने यूज किया वो कहते हैं कि वो एक अलग लेवल का एलम हो जाता है, तो उसको भी यूज करके देखें कभी। चलिए लेट मी वॉश माई फेस। आइडियली 20 सेकेंड 30 सेकेंड आपको फेस अपना ऐसा रहने देना चाहिए। तो मैं फिर से कहूंगा अगर आपके शेविंग गियर अच्छे हैं तो शेविंग का जो आपका एक लेवल होता है वो टॉप नॉच हो जाता है, उसके साथ आपकी प्रैक्टिस, आपका लगाव। अगर आप इसको एक हम ड्रम एक यू नो मोनोटोनस एक्टिविटी करना है के लिए कहेंगे तो शेविंग के साथ आप कनेक्टेड फील नहीं करोगे। अदरवाइज मेरे साथ तो ये रहता है कि रात को ही मैं अपनी शेविंग प्रिपरेशन कर लेता हूँ अगले दिन के लिए। ऑफ कोर्स माय फैमिली थिंक दैट आई एम क्रेजी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इस मामले में तो वो क्रेजी कह सकते हैं मेरे को। तो लवली पोस्ट शेव फील, लाजवाब। सो ये अपने अतुल चड्ढा जी जो शेवोलॉजिस्ट के प्रोप्राइटर हैं उनका आफ्टर शेव स्प्लैश फ्रूटीलिशियस, तो कुछ कुछ हद तक ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा मुझे लगता है। इनके आफ्टर शेव स्प्लैश की खासियत है कि जो एक्सप्लोजन होता है बर्न वाला ऐसा नहीं होता, और दिस सटल सपल फीलिंग लगती है आपको स्किन में, और इनके हिसाब से ये इसमें विच हेजल और एलोवेरा जूस का एक्सट्रैक्ट डालते हैं। फंटास्टिक स्मेल, और थोड़ा और मॉइस्चराइज करने के लिए
मेरे को अभी बाहर भी जाना है, तो मैं आज मिनिमलिस्ट इसकी जो है फेस क्रीम यूज करूंगा। इट्स ओडोरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है, बट गिव्स अ वाओ एक्सपीरियंस। सो रेडी टू गो एंड अटैक द वर्ल्ड नाउ। बहुत ही बढ़िया फीलिंग हो रही है इस समय, और मेरा शेविंग डैम जो है वो ऐसा लग रहा है मैं किसी फ्रेश फ्रूट जूस सेंटर में खड़ा हूं। और मैंने ऑर्डर दिया है पाइन एप्पल जूस का, और जूस वाला इधर आ गया फर्स्ट क्लास, वो बड़ा वाला मग बनाना। बचपन में देहरादून में सब्जी बाजार है, तो वहां पे कोने में एक जूस सेंटर है, और वहां पे हम अक्सर जाया करते थे। और उस समय 10 रुपए का, 5 रुपए का छोटा ग्लास और 10 या 15 रुपए का बड़ा ग्लास आता था बियर मग। और आज भी मैं जाता हूँ वहां पे तो वही आनंद मिलता है। तो उसके जो जूस सेंटर की स्मेल मेरे को काफी कुछ आई इस पर्टिकुलर आफ्टर शेव स्प्लैश लगा के। मगर अगर मैं आपको इस सोशल हिपस्टर की बात करूं तो बहुत सी अलग लेवल की खुशबू लगी, अब तक की वन ऑफ द बेस्ट जो है अभी वही। मेरे को कई लोग कहेंगे कि यार सर ये आपका बेस्ट कब खत्म होगा, हर चीज तो आप बेस्ट कर रहे हो। नहीं यार मैं बताऊं, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। तो अब आप बाय कैसे करोगे ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये तो हमारे ग्रुप में जो है ग्रुप बाय परचेज हुआ था शायद, तो उसके थ्रू लिया। मगर कभी मौका मिले, आपके कोई फ्रेंड स्टेट्स में रहते हो या यूरोपियन कंट्री में रहते हो, तो आप इसको मंगा के ट्राई कर सकते हो। लिटिल बिट कॉस्टली, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा क्या काफ़ी महंगा है। सो इंडियन रुपीज़ में मेरे को 2000 रुपीज़ का पड़ा ये, बट इट इज जेम ऑफ अ शेविंग सोप। तो थैंक यू पीटर चक्रेलिस जी, आप इसी तरह के नए नए शेविंग सोप बनाते रहिए, आपके प्रोडक्शन मास में बढ़े तो थोड़े से आपके रेट कम हो, बट क्वालिटी कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और द टैंक द बीस्ट ऑलवेज गिव वंडरफुल परफॉर्मेंस, और मेरे को तो ये कॉम्बिनेशन और भी डेडली लगा। लास्ट टाइम जो मैंने आपको अपना वीडियो दिखाया था, जो डेमो दिखाया था, उसमें मैंने जो है जिलेट 7 o'clock यूज किया था, और फेदर के साथ तो अभी अलग ही मामला लग रहा है मेरे को। बट ये रेजर डेफिनेटली बहुत ही ऊंची पायदान में पहुंच रहा है मेरे पर्सनल निजी कलेक्शन में। और दिस इज याकी। सो सुधीर खोकर जी से लास्ट ईयर इसी महीने में मैंने ये परचेज किया था, 1 साल हो गया है यूज किया, बहुत ही बढ़िया ये सिंथेटिक ब्रश है। एंड ऑफकोर्स आफ्टर शेव स्प्लैश ब्यूटीलिशियस एंड मिनिमलिस्ट फेस क्रीम। सो सारे प्रोडक्ट्स टॉप नॉच, शेविंग भी टॉप नॉच, एंड आई होप आज का दिन भी जाएगा टॉप नॉच। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के डेमो की शेविंग सेशन की को एंड करता हूँ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।